जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। जैसे अभी मैंने बजाया तो इसमें कुछ देर तक आवाज़ रहती है, कोई भी चीज़ बजाएंगे तो उसमें थोड़ी देर तक आवाज़ रहेगी, ठीक है। तो ये साउंड थोड़ी देर तक बजती है सस्टेन की वजह से होता है, अगर इसको आप ऑफ कर देंगे, ये दबा करके ऑफ कर दिया तो अब ये देर तक नहीं बजती है, ठीक है। तो एक छोटा सा पीस मैं सस्टेन के साथ बजा कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने फंक्शन को प्रेस किया, उसके बाद सस्टेन दबा दिया, अब यहाँ सस्टेन अप्लाई हो गया है। अब मैं एक छोटी सी पीस बजा रहा हूँ आपको, दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि कीबोर्ड को मैं शॉर्ट में आपको अच्छे से समझा सकूं। ये सस्टेन का बटन होता है, सस्टेन यहाँ से अप्लाई होता है। जो भी नीचे के ये सारे फंक्शंस हैं इनको प्रेस करने से पहले आपको ये फंक्शन की दबा के रखनी होगी, तभी ये अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं, ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग आप उतार चढ़ा सकते हैं इससे, यहाँ से प्लस माइनस होते हैं, यहाँ से प्लस होता है, ट्रांसपोज है। अगर आप चाहते हैं कि सी मेजर स्केल आप सी से उठाते हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस सी शार्प से है तो आप हाफ नोट जो है इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आपका सी बन जाएगा, तो आप ये काली की से सी स्केल बजा सकते हैं। तो ये ट्रांसपोज बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इतने इस रेंज के कीबोर्ड में ये देना बहुत ही बड़ी बात है। और उसके बाद आपका मेट्रोनॉम है, ये आपके बीट की प्रैक्टिस करने के लिए होता है। आप यहाँ से मास्टर जो सॉन्ग और स्टाइल के वॉल्यूम है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ऊपर अगर यहाँ पर बढ़ाएंगे तो जब अगर यहाँ से आपने कम कंट्रोल किया है 14 पे किया है या 13 पे किया है तो ये 13 से ऊपर नहीं बढ़ेगा, यहाँ से अगर आपने फुल खोल रखा है तो ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है। सिंक स्टार्ट का मतलब होता है कि जब आपने कोई भी स्टाइल लिया हुआ है, कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसको अगर आपने अप्लाई कर दिया यहाँ से फंक्शन करके सिंक स्टार्ट कर दिया तो जब आप कॉर्ड लेंगे तभी वो बैकग्राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सिंक स्टार्ट बहुत अच्छा फीचर है। कॉर्ड फिंगरिंग आपको मैंने दिखाया ही है, कॉर्ड फिंगरिंग का मतलब है जब आप तीनों फिंगर यूज़ करके पूरा कॉर्ड बनाते हैं, जब जैसे आप बड़े कीबोर्ड्स में बनाते हैं तो कॉर्ड फिंगरिंग कहलाता है। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपका जो कॉर्ड है वो मास्टर कॉर्ड होगा, यानी कि जो इसमें स्मार्ट कॉर्ड दिया है सिंगल फिंगर या दो फिंगर से कॉर्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब इसमें बहुत अच्छे कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। और बाकी आपका वॉल्यूम लिमिट यहाँ से ऑन ऑफ आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। एक फीचर इसमें बहुत अच्छा है जो कि यहाँ पर है ऑक्टेव। ऑक्टेव शिफ्ट का मतलब होता है जैसे ये पूरा कीबोर्ड अगर देखा जाए तो ये एक ऑक्टेव, दो ऑक्टेव और ये तीन ऑक्टेव का है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है फोर्थ ऑक्टेव की भी तो आप यहाँ पर सिर्फ एक बार दबा करके पूरा जो ये आपका ऑक्टेव है ये वाला ये फिफ्थ फोर्थ ऑक्टेव की तरह साउंड करेगा, बने एक ऑक्टेव चढ़ जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑक्टेव अपना सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे के ऑक्टेव की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप प्लस वन कर देंगे तो ये सेकेंड ऑक्टेव बन जाएगा, सेकेंड ऑक्टेव, थर्ड ऑक्टेव एंड फोर्थ ऑक्टेव हो जाएगा ये, ठीक है। तो पूरा कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो आशा है आपको ये शॉर्ट ब्रीफ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सॉल्व हुआ होगा और अगले कीबोर्ड के साथ नए मॉडल के साथ फिर से रिव्यू में मुलाकात होगी शॉर्ट रिव्यू में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।